अनुग्रह वाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं कि प्रभु हमें बताता है कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर प्रकार की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं अनेक प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम स्तुति आराधना के द्वारा प्रार्थना करते हैं, कभी हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, कभी हम लोग निवेदन चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, कभी हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। आज हम थोड़ी देर मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन कर देखें। मध्यस्थता प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना है। हम लोग भारत देश में अनेक जगह पर रिट्रीट सेंटर्स देखते हैं जहां पर करिश्माई प्रार्थना होती है। अब उन जगहों में हम लोग देखते हैं 24 घंटे दिन और रात परम प्रसाद के सामने प्रार्थना होती है और जिसके कारण वहां बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। ये मध्यस्थ प्रार्थना क्या है कि आज हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करें और हम सबों को भी निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये मध्यस्थ प्रार्थना हम लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता है। मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को मध्यस्थ प्रार्थना की जानकारी होना आवश्यक है। मध्यस्थ प्रार्थना करने का अर्थ है बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करना। हम जानते हैं यदि दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है तो तीसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। तीसरे व्यक्ति के बिना इनके दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं होता है और मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करता है, या दूसरे शब्दों में कहें दूसरे की तरफ से प्रार्थना करता है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। हम तिमोती का पहला पत्र उसका अध्याय 2 उसकी पद संख्या 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी। प्रभु का वचन कहता है और संत पौलुस बताता है और कहता है मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। हम सबों को हर मनुष्य के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विशेष रीति से राजाओं और अधिकारियों के लिए। यदि हम राजाओं और अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि यह उचित भी है और प्रिय भी है। क्योंकि यदि हमारे नेता लोग अच्छे नहीं हैं, यदि हमारे अधिकारी अच्छे नहीं हैं, यदि हमारे परिवार का मुखिया अच्छा नहीं है तो पूरा परिवार नाश होता है। यदि देश का नेता अच्छा नहीं है पूरा देश नाश हो जाता है। अब इसलिए सबसे पहले हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है हमारे अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए और कि सभी परिवारों के मुखिया लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये प्रभु आज हमें बताता है, इसलिए संत पौलुस सबसे अनुरोध करता है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 5 उसके पद संख्या 19 में
प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। प्रभु का वचन कहता है कि समस्त संसार दुष्ट के वश में है, और इसलिए हमें समस्त संसार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए आज से हम कोशिश करें ना केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए, बल्कि हम समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। एजेकेल का ग्रंथ अध्याय 22 यदि पद संख्या 30 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, मैंने ऐसे एक व्यक्ति की खोज की जो मोचा बंदी करें और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करें, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु एक ऐसी व्यक्ति की खोज कर रहा है। प्रभु चाहता है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो मोर्चा बंदी करे और दीवार पर खड़ा हो जाए और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसके कारण आज दुनिया भर में की नाना प्रकार की बातें चलती रहती हैं, कि प्रभु चाहता है हम लोगों में से सभी लोग ऐसी प्रार्थना करने के लिए आगे आए, हम मोर्चा बंदी करें, दीवार पर खड़ा हो जाएं और रक्षा के लिए ईश्वर और मनुष्यों के बीच खड़ा होकर प्रार्थना करें। तिमोती का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है कि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। हम सबों का एक ही मध्यस्थ है और वो मध्यस्थ है यीशु मसीह। और इसलिए जैसे यीशु मसीह ने ईश्वर और मनुष्यों के बीच में उस क्रूस पर आकाश के नीचे धरती के ऊपर वो क्रूस पर रहकर सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना की, वैसे ही हमें ईश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 2 उसकी पद संख्या 1-2 में प्रभु का वचन हमें बताता है, कहता है, बच्चों मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारी एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए उन्हें अपना जीवन दे दिया है। वो हम सबों का मध्यस्थ है, वो हम सबों को बचाता है। इसलिए प्रभु कहता है यदि हमने पाप किया है हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु के पास जाना है और हमें प्रभु से जुड़ना है, हमें पिता से जोड़ने के लिए एक मध्यस्थ है। जब हम प्रभु यीशु से जुड़ेंगे हम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। हम लोग उसी तिमोती का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम सबों को हाथ उठाकर हर प्रकार के भेदभाव भूल कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष वय तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ उठाकर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको और मुझको बुलाता है ताकि हम सभी लोग अपना भेदभाव भूल कर हाथ उठाकर सबके लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते रहें, ताकि एक व्यक्ति भी नाश ना हो जाए।
हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं अध्याय 18 पद संख्या 22 से यदि आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं कि इब्राहिम जो है कि सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रभु से अनुनय विनय करता है कि प्रभु क्या 50 धर्मी मिलेंगे क्या आप नाश करेंगे, क्या प्रभु 45 धर्मी व्यक्ति मिलेंगे नाश करेंगे, धीरे धीरे क्या 40 व्यक्ति रहेंगे तो नाश करेंगे। इस तरह से इब्राहिम जो है ईश्वर के सामने प्रार्थना करते रहता है उस सोदोम और गोमोरा को बचा लें। इब्राहिम के समान हम लोगों को भी प्रभु के सामने खड़े होकर हमें उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ते हैं कि जब अमालेकियों के लोग की मूसा के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आए तो मूसा ने जो है यहोशुआ से कहा, देखो हमारे बीच में से अच्छे योद्धाओं को चुनो, आओ आप अमालेकियों के साथ लड़ाई करने जाओ, पर मैं लड़ाई करने नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना करने जाता हूं। आओ मूसा जो है पर्वत पर चढ़ता है, उसके साथ हारून हूर को ले जाता है और वहां पर वो हाथ उठाकर प्रार्थना करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जितनी देर मूसा अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करता है उतनी समय यहोशुआ उसके साथी जीतते हैं, और जब उसके हाथ नीचे जाते हैं धीरे से यहोशुआ उसके साथी हारने लगते हैं और अमालेकियों के लोग जीतने लगते हैं। मूसा फिर से हाथ उठाते प्रार्थना करता है और फिर से वो देखता है यहोशुआ और साथी जीत रहे हैं, वो कितने देर हाथ उठा के प्रार्थना करेगा। वो थक जाता था और उसके हाथ नीचे आते थे, उस समय यहोशुआ उसके साथी हारने लगते थे और अमालेकियों के लोग जीतने लगते थे। ऐसे समय पर हारून और हूर ने एक बड़ा सा पत्थर लाया और मूसा को उसके ऊपर बैठने के लिए कहा। हारून ने एक हाथ पकड़ा और हूर ने एक हाथ पकड़ा और उसको प्रार्थना करने के लिए कहा, तो मूसा लगातार हाथ उठाकर प्रार्थना करते गया तो यहोशुआ और उसके साथी जीत गए और अमालेकियों के लोग जो आ गए। उसी तरह से जब कोई इंसान प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है शैतान हार जाता है, बुराई हार जाती है और हम सब विजयमान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि हम हर प्रकार के भेदभाव मिटाकर हाथ उठाकर प्रार्थना किया करें। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 उसकी पद संख्या 30 से 32 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम सुनते हैं कि मूसा कहता है तुम लोगों ने घोर पाप किया। जब मूसा सियोन पर्वत पर गया था और वहां पर 40 दिन उसने ईश्वर के साथ बिताए और ईश्वर ने उसको 10 नियम दिए, उस समय प्रजा सारी नीचे थी और प्रजा भटक गई और प्रजा ने कि एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। और जब मूसा नीचे उतरा उसको देखकर उसने उस पाटियों को उनके ऊपर फेंका तो नियम की पाटियां टूट गईं। और मूसा कहता है तुम लोगों ने घोर पाप किया, हो सके मैं फिर से प्रभु के पास जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बार हम लोग देखते हैं हमारे घरों में हमारे परिवारों में जो है ऐसे पाप होते रहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें मूसा के समान फिर से प्रभु के पास लौटना है और उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कि प्रभु कहता है यदि हम कितने बार भी प्रभु के पास जाएं प्रभु हमें वापस खाली हाथ नहीं लौटाता है, प्रभु हमें गले लगाता है और प्रभु हमें आशीष देता है। इसलिए हमें
प्रभु के पास हमारे दुख में, हमारे कष्ट में, हमारे बीमारियों में, हमारे समस्याओं में हमें प्रभु के पास जाकर अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम की संत पौस्तिन के बारे में पढ़ते हैं। संत पौस्तिना निरंतर प्रभु से प्रार्थना किया करती थी। एक दिन सितंबर के 13 तारीख को 1935 में वो प्रार्थना कर रही थी, तब उसने देखा एक स्वर्गदूत एक देश को नाश करने के लिए जा रहा है। अब उस वक्त जो है संत पौस्तिना ने प्रार्थना करना शुरू किया, पर उसने देखा स्वर्गदूत आगे तो नहीं बढ़ा पर उसकी शक्ति कम नहीं हुई, और इसलिए वो नहीं जानती थी किस प्रकार से प्रार्थना करें। उस समय संत पौस्तिना ने कि प्रभु से कहा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। अब उस समय प्रभु ईश्वर ने पौस्तिना को प्रार्थना करना सिखाया, जो आज करुणा रोजगी हम लोग जो बोलते हैं। अब वही शब्दों को लेकर पौस्तिना ने जब प्रार्थना किया तो देखा कि स्वर्गदूत जो विनाश करने जा रहा था उसका सामर्थ्य कम हो गया और वो स्वर्गदूत पीछे हटा। उसी तरह से हम लोग भी संत पौस्तिना के समान प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु से पूछें, प्रभु हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और प्रभु की बात सुनकर यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें निरंतर प्रभु के हथियार बनकर काम करने की जरूरत है। मुझे ये कहानी की याद आती है, एक बार एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में की बांस लगाया, उसमें एक बांस बहुत मोटा तगड़ा बनकर लंबा बन गया, और मालिक रोजाना इस बांस को देखता था और बड़ी खुशी मनाता था और रोज आकर उस बांस को हाथ लगाता था तो बांस को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मालिक अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेके आया, और उस समय बांस देखकर हैरान हो गया और बांस ने कि मालिक से पूछा, मालिक आज क्या बात है आप अपने कंधे में कुल्हाड़ी लेकर आए हो। तो मालिक कहने लगा, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो बांस बोला, मैं सदाई आपके सेवा के लिए तत्पर हूं। तब मालिक कहने लगा, मैं चाहता हूं आज मैं आपको काट डालूं। तो बांस कहने लगा, यदि आप मुझे काटेंगे तो मुझे दर्द होगा और मैं गिर जाऊंगा। मालिक ने कहा, यदि मैं नहीं काटूंगा तो तुम मेरे उपयोग में नहीं आओगे। तो बांस ने कहा, ठीक है काट डालो। और मालिक ने बांस को काट डाला, जोर से आवाज करते हुए बांस गिर गया। मालिक गिर गया, गिर जाने के बाद एक धराता लेके आया, तो फिर से बांस ने कहा, मालिक अभी क्या करने वाला है। तो उस समय कि मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे हाथ काटना चाहता हूं। और बांस कहा, यदि ऐसा करोगे मुझे बहुत दर्द होगा। तो मालिक कहने लगा, जब तक मैं आपके हाथ नहीं काटूंगा तब तक तुम मेरे उपयोग में नहीं आओगे। तो बांस ने कहा, काट डालिए। और फिर से मालिक घर गया और एक आरा लेके आया, और तब फिर से बांस ने कहा, मालिक अभी क्या करने वाले हैं। तो मालिक कहने लगा, मैं आपका छोटा छोटा टुकड़ा करना चाहता हूं। तो बांस बोला, मुझे बहुत दर्द होगा यदि ऐसा नहीं करूंगा। मालिक बोला, तू मेरे उपयोग में नहीं आओगे। तो बांस ने बोला, काट डालिए। और मालिक ने छोटे छोटे टुकड़े उस बांस के काटे, और काटने के बाद फिर से मालिक गर गया, आओगे का उजाग लेके आया। तो बांस कहने लगा, अभी क्या करने जा रहे हो। मालिक ने कहा, अभी मैं आपको फाड़ूंगा।
और बांस ने कहा जैसी आपकी इच्छा वैसे ही कीजिए। और मालिक ने बांस को बीच में से दो भाग बना दिया और उसके जो है पंप था जहां से नाली से पानी आ गया था उसने एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाने के लिए ये बांस को रख दिया और इसके द्वारा एक खेत से दूसरे खेत को पानी जाने लगा और धीरे धीरे सारे खेत हरे भरे हो गए। और एक दिन मालिक आया और कहने लगा बांस से देखते हो कि मैंने तुमको काटा और यहाँ पर लगा दिया और तुम्हारे माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत के लिए पानी जा रहा है इसलिए सारे खेत हरे भरे हो गए हैं, ये तुम्हारे कारण हैं। इसी तरह से हमें भी उस बांस के जैसे प्रभु के उपयोग में आने के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें हर प्रकार के भेदभाव मिटाकर अपना हाथ उठाकर समस्त दुनिया के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि समस्त दुनिया और समस्त लोग जो कि बुराई के पंजे में जकड़े हुए हैं और उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनको बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन और एकमात्र माध्यम है यह मध्यस्थ प्रार्थना। हम मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा सभी लोगों को बचा सकते हैं। हम दुनिया भर में देखते हैं कि माता मरियम अनेक जगह पर लोगों को दर्शन देती गई। फ्रांस में फातिमा में उन तीन बच्चों को माता मरियम ने दर्शन दिया और माता मरियम ने उन बच्चों से कहा कि पापियों के लिए प्रार्थना करो। उसी प्रकार से माता मरियम ने लूर्द में बेनेडिक्ट को दर्शन देकर यही कहा कि पापियों के लिए प्रार्थना करो। माता मरियम हम सबों को पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थ बनने के लिए बुलाती है। आजकल हम लोग अनेक जगह पर देखते हैं कि माता मरियम अनेक लोगों को दर्शन देकर प्रार्थना करने के लिए बुलाती है। साथ ही साथ अनेक जगह पर हम लोगों ने देखा कि माता मरियम के आंखों से खून के आंसू बहते हुए माता मरियम ने यही संदेश दिया कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों मध्यस्थ प्रार्थना एक सशक्त प्रार्थना है। मध्यस्थ प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हम लोग अनेक लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं एक ऐसी व्यक्ति की खोज कर रहा हूं जो मोर्चाबंदी करते हुए दीवार पर खड़े होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज हम सभी लोग निर्णय लें, हमें आज समस्त दुनिया के लिए पूरे समाज के लिए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि प्रभु का राज हमारे बीच में आ जाए। प्रभु की एक ही इच्छा है कोई भी नाश ना हो जाए, सब लोग बच जाएं। इसलिए आज हम लोग निर्णय लें और हम लोग बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना करें। इसलिए आइए हम बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और बड़े भक्ति भाव से प्रभु से प्रार्थना करें। ये प्रभु येसु, मैं भी एक मध्यस्थ बनना चाहता हूं। जैसे आप इस दुनिया में मध्यस्थ बनने के लिए आए थे, आओ इस दुनिया में आकर आपने आकाश के नीचे धरती के ऊपर अपना प्राण देते हुए सारे मानव जाति के लिए मध्यस्थ बन गए। आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु येसु हम लोगों को भी आप शक्ति दे कि हम भी मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं, हम दूसरों को बचाने वाले बन जाएं, हम ईश्वर और मनुष्यों के बीच खड़ा होकर सभी मानव जाति के लिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करें क्योंकि आपका वचन कहता है यह आपके लिए उचित और प्रिय भी है। इसलिए ऐसे करने की शक्ति प्रभु तो मुझे प्रदान कर
और मुझे तू इस्तेमाल कर, यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अनुग्रह तेरा अनुग्रह यीशुआ तेरा।